উত্তর কলকাতার ক্যালেন্ডার স্ট্রিটে লিগাল এইড ক্লিনিক এবং পিডিএইচআরআই হিউম্যান রাইটসের একটি অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যার কাজ হলো দুদিনের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া এবং এখানে অনেক ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয়, সচেতনতামূলক কাজ করা হচ্ছে, আইনগত তথ্য নিয়ে কথা হচ্ছে, হরেক রকমের বিশেষজ্ঞরা এখানে বিনামূল্যে সব ধরনের সেবা দিচ্ছেন। যারা হিউম্যান রাইটস ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন তাদের সবাইকে সম্মানিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে শামসাদ আলম, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোহাম্মদ আফজাল, মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, নওশাদ আলম, খুশি আলম, রাজ ইরফান উপস্থিত ছিলেন। আমরা জাকির হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা তাদের কাজের কথা উল্লেখ করেছি। মোহাম্মদ শামসাদ ভাই এবং জাকির ভাই যারা একসঙ্গে এই অফিসটি চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে আরও বেশি লোকের সেবা করা যায়। তাই আসুন, জাকির হোসেন কী চান তা নিয়ে কথা বলি। নমস্তে, আসসালাম আলাইকুম। মেয়ের নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কা হিউম্যান রাইট কা প্রেসিডেন্ট হুম। ये जो हम लोग का ये जो ऑफिस है लीगल एड और यहाँ पे ह्यूमन राइट, हम लोग दोनों मिलके यहाँ पर काम करते हैं। लीगल एड का काम है जैसे जो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस में करते हैं, हम लोग ह्यूमन राइट का काम हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस में काम करते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी की समस्या हो रहा है, कोई जैसे सामाजिक काम हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये मेरे बड़े भाई है शमशाद भाई, मिलकर हम लोग यहाँ पर पूरा एकजुट होकर हम लोग काम करते हैं। हम लोग का मोटिव है यहाँ काम करने का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग सपोर्ट देते हैं। जैसे मेडिसिन होता है या किसी को हॉस्पिटल में दरकार होता है, जैसे हमारे बीच अभी एक ये मेडिकल हॉस्पिटल के वो आए थे, इंचार्ज आए थे, तो उनको हम लोग पूरा देखिए अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है वेस्ट बंगाल में, तो हम लोग को जितने भी सपोर्ट मिलते हैं हम लोग गाइडलाइन पुलिस के हिसाब से चलते हैं। और हम लोग को कोलकाता पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस हो, हम लोग को फुल सपोर्ट देते हैं, हम लोग उसके गाइडलाइंस पर करके पूरा काम करते हैं। लीगल एड और जैकी भाई हेमंत राज के दोनों मिल के हम लोग काम करते हैं। फ्री में आपका दवा भी हर बुधवार को और शनिवार को मिलता है यहाँ से, और यहाँ से फ्री में वकील सिटी सिविल कोर्ट का, और यहाँ पे बड़ा से बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे गरीबों के लिए। और हम लोग पुलिस से जुड़े हुए, जज से जुड़े हुए, किसी से भी जुड़े हुए, गरीब का हेल्प के लिए, अपना फ़ायदा के लिए नहीं, किसी से हम लोग नहीं किसी से चंदा लेते हैं, नहीं कुछ लेते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। और ये आपका इम्तियाज भारतिया साहब और जकी भाई और शमशाद सब मिल के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। आई एम द सन ऑफ मोहम्मद शमशाद आलम। माई फादर एंड माई अंकल मोहम्मद जकी हैज़ प्रपोज्ड एंड ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम फॉर हेल्प फॉर इनवाइटिंग आवर इंस्पेक्टर सर ऑफ मेडिकल इंचार्ज एंड वी हेल्प homeless and help homeless people who needs free medicine and can't afford them। यहाँ ये मछुआ में जौकी भाई, शमशाद भाई यहाँ पे ये सब एक बहुत बढ़िया यहाँ पे बैठ के सब का मदद के लिए ये बहुत ऑफिस खोला गया है। किसी का भी मदद, कोई भी कानून हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा ये क्लिनिक एक खोला गया है कि हर गरीब लोग के लिए मदद कर सके। और यहाँ पे बहुत सा ऐसा मसला भी रहता है जो बहुत लोग एक पावरफुल आदमी कोई गरीब के ऊपर जो दबाव देते हैं, वो सब के लिए भी हम लोग सब मिल के झूठ मिल के सबका सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं वार्ड 39 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ह्यूमन राइट से 39 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा वाइफ वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट क्योंकि जाकी भाई है और यहाँ शमशाद भाई है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ऑफिस है ये ऑफिस नहीं है, ये हेल्प करने का एक बहुत बड़ा जगह है। इनका जो भी प्रॉब्लम होता है वो ये ऑफिस में आते हैं, वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सब मिलकर जाकी भाई उमर वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट और वो शमशाद भाई यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो हम लोग सब मिलकर सब गरीब का हेल्प करते हैं। किसको भी जो प्रॉब्लम होता है वो ये ऑफिस में आते हैं, उसका सॉल्व हम लोग करते हैं। जैसे वो आपका ब्लड का प्रॉब्लम, उसका ब्लड नहीं है, उसका हम लोग हेल्प कर देते हैं। कोई को बेड नहीं मिल रहा है, कोई बड़ा बड़ा देखते अभी का माहौल कैसा है, कोई के पास पैसा नहीं है, वो गरीब होता ये हॉस्पिटल ही में जा पाता है, तो वो लोग के जगह हम लोग हेल्प करते हैं। इनको बेड नहीं मिलता है, इनको जो भी प्रॉब्लम देती वाइफ हस्बैंड में झमेला हो गया, वो लोग को सॉल्व करवाना, कोई का जमीन, कोई गरीब का जमीन हड़प लिए बड़े लोग, वो लोग को सॉल्व कराना, यहाँ पर ये सब मामला हम लोग देखते हैं। इनको भी हेल्प चाहिए। हम लोग ये यहाँ पर एक मंच बना के सबके लिए हेल्प का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी यहाँ के बैठते हैं और जिस गरीबों को दवा का ज़रूरत है
वहाँ दवा भी दिया जाता है, इसी विषय पे यहाँ काम चल रहा है।